नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज बात करेंगे कि दूर बैठे इंसान को भी आप अपने वश में कर सकते हैं, अपना दीवाना बना सकते हैं, बिना उससे मिला, बिना उससे मुलाकात किए उसे अपनी याद में तड़पा सकते हैं, उसे अपना दीवाना बना सकते हैं। तो कैसे आप ये कर सकते हैं? हमारे पास कई तरह के कमेंट्स आते हैं कि हम किसी को अपना बनाने के लिए, हमारी मुलाकातें नहीं होती हैं, किसी को अपना बनाने के लिए अगर हम कोई टोटका करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो हम उसमें घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारी उससे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो घर बैठे कोई ऐसा उपाय बताया जाए कि घर बैठे बैठे वह जो व्यक्ति है वह हमारे वश में आ जाए, वह जो व्यक्ति है वह हमारी याद में तड़पे, उसे हमारी याद आने लगे, हमारा दीवाना हो जाए। तो घर बैठे बैठे सिर्फ एक मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में उसकी फोटो होना जरूरी है और आजकल फोटो हर जगह अवेलेबल होती है किसी भी व्यक्ति की, तो अगर आपके पास उसकी फोटो है मोबाइल में, तो उस फोटो के द्वारा, चाहे पुरानी है चाहे नहीं है, पुरानी या नई फोटो, कोई भी फोटो अगर आपके पास उस व्यक्ति है, व्यक्ति की है, तो उस व्यक्ति की फोटो के द्वारा आप वशीकरण कर सकते हैं, आप उसको अपनी याद दिलवा सकते हैं, उसे अपने प्रेम में आप ला सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके प्रेम में आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो उपाय होगा ये होगा शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, ये तीन दिन होगा, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सुबह सुबह, सुबह सुबह के वक्त आपने लाल आसन लेना है। लाल आसन के ऊपर आपने बैठ जाना है और अपने सामने एक अगरबत्ती जला लेनी है और आपने हल्दी रखनी है थोड़ी सी और थोड़ा सा जल रखना है। सामने अगरबत्ती जला लेनी है, थोड़ी सी कटोरी में हल्दी ले, थोड़ा सा कटोरी में बिल्कुल थोड़ा सा जल ले। लाल आसन पर आपने बैठ जाना है और आपने जो मोबाइल में जो जो फोटो है आपको, वो व्यक्ति की, वह फोटो आपने मोबाइल के सामने रख देनी है। वह फोटो को, वह व्यक्ति की फोटो को देखते हुए आपने कृष्ण का बीज मंत्र बोलना है। कृष्ण का बीज मंत्र इसलिए क्योंकि प्रेम की प्राप्ति के लिए, सच्चे प्रेम की प्राप्ति के लिए कृष्ण के उपाय किए जाते हैं, कृष्ण की पूजा की जाती है, तो आपने कृष्ण का मंत्र बोलना है। आपने बोलना है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, आपने बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आपने बोलना है लगातार 11 बार, 11 बार तस्वीर को देखते हुए मंत्र बोलना है। और उसके बाद श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि आपका ये प्यार आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, या आपसे प्यार करने लगे, या आपको याद करे, या आपसे बात करे, जो भी आपकी इच्छा है उस पार्टनर को लेके वे आपने बोल देनी है। उसके बाद आपने जो थोड़ा सा जल होगा वो थोड़ा सा जल लेके, जो हल्दी में थोड़ा सा मिक्स कर देना है उस जल को, और उसका टीका अपने माथे पर लगा देना। अगरबत्ती तो जल ही रही होगी, तो इस तरीके से अपने हल्दी का टीका जो होगा यहाँ पर माथे पर लगा देना है। यही सेम प्रक्रिया आपने शुक्रवार की सुबह आपने की है, स्नान करने के बाद कीजिएगा, शुक्रवार की सुबह, शनिवार की सुबह और रविवार की सुबह। ये तीन दिन प्रक्रिया करने के बाद रविवार को जब सुबह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद रविवार की शाम को आपने श्री कृष्ण जी के मंदिर जाना है और श्री कृष्ण जी के मंदिर आपने दो गुलाब के फूल लेकर जाने हैं और छोटी सी बांसुरी लेकर जानी है, और ये श्री कृष्ण जी के मंदिर में आपने श्री कृष्ण जी के सामने अर्पित करनी है और वहां पर फिर से प्रार्थना कर कर आनी है कि आपका प्रेम आपके पास आ जाए, आपसे प्रेम करने लगे। तो ये जो उपाय है बेहद प्रभावशाली है, जिससे दूर बैठा व्यक्ति भी आपके वश में आएगा, आपका दीवाना होगा और आपके प्रेम में पड़ जाएगा। तो उपाय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।